कुछ दिन पहले तक कुलकर्णी सरकार शिरडी को साफ रखने के लिए स्वच्छता कर वसूल कर रहे थे और इन्हें देखो कुलकर्णी सरकार के चंगु मंगू खुद गंदगी फैला रहे हैं। इन्हें सोचना चाहिए ना, गंदगी से बीमारी फैल सकती है और किसी का पैर इस छिलके पे पड़े तो वो गिर सकता है ना। वो सुन लेंगे, वैसे भी इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है इस गाँव में। आराम से खाइए। अंता जी मजा आ गया। अरे अंता जी, अंता जी बुरे काम तो बुरा ना तुझा। उसने देखा रुक। पहले नीचे उतर और साफ कर इसे। पहले खा के कोई छिलके नीचे फेंकता है? आगे से नहीं होगा। क्या आगे से नहीं होगा? हाँ चल पहले नीचे उतर और साफ कर उसे। कितना गंद फैला के रखा है। वो सब मैंने नहीं फेंके, मैं क्यों उठाऊं उन्हें? ताजी इसे सबक सिखाना होगा। नहीं उतरूंगा मैं, जीजाजी से कह के सारे साफ करवा दूंगा। नीचे तो तुझे उतरना ही पड़ेगा, चल नीचे। अरे कोई बचाओ मेरे पति को, अरे कोई बचाओ मेरे पति को, अरे गांव वालों को बचाओ इस चूत से मेरे पति को। बचेगा नहीं तो। बच्ची को आशीर्वाद दीजिए साईं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बच्ची का एक अच्छा सा नाम रख दीजिए। कठिनाइयों से जूझ कर दुनिया में जन्म लिया है इसने, अपनी माँ की कोख में ही दुनिया से लड़ी है ये। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, इसलिए इसे किसी वीरांगना का ही नाम देना।
कुछ सोचो, क्या नाम रखोगी इसका? तारा, रानी ताराबाई। छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलवधू रानी ताराबाई, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया लेकिन हार नहीं मानी, अपने कुल का नाम बढ़ाया उन्होंने। इसे भी वैसी ही बहादुर बनाना। कोशिश करूंगी साईं। त्र्यंबक, क्या हो रहा है ये? जीजा जी अरे मार रहे बचा ले। पहले तो इसने छिलके फेंक कर गांव को गंदा किया, उस पे मैं फिसल गया, और जब इसे साफ करने के लिए बोला तो देखिए क्या हालत की है हमारी। छोड़ूंगा नहीं इसे। ओके, देखिए आइंदा ऐसे नहीं होगा। माफी मांगनी होगी इसे। माफी मांगी? मैं माफी नहीं मांगूंगा। देखिए, आपने जो कुछ भी किया है, आपके अगर अक्का को पता चलेगा ना तो पता ना क्या होगा, नाराज हो जाएंगी वो। माफी मांगी? गलती हो गई, माफ कर दीजिए। भाईजा, अक्का ने हमारी मदद करने के लिए हमें अपने घर बुलाया है, लेकिन अभी तक तो हम घर पहुंचे भी नहीं। उससे पहले ये व्यवहार अपने साले के साथ? सही कहा है, ससुर के घर जमाई कुत्ता और बहन के घर भाई। चलिए। पंता जी, देखने में तो दुगला पतला था, सोचा नहीं था कि इतनी ताकत होगी इसमें। आप चिंता मत कीजिए अंता जी, अभी तो अपने गांव में ही है ना, जाएगा कहाँ? अपने अपमान का बदला लेकर रहेंगे उससे। पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग, अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। अरे आ जाएंगे, साईं की शरण में आने वाले और कहाँ जाएंगे। भाईजा लो आ गए। आ गए तुम लोग, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। खुश रहो। अरे ये तुम्हारे कपड़ों पे मिट्टी कैसे लग गई? भाईजा, वो बहुत दूर से आया ना बैलगाड़ी में, तो मिट्टी लग गई होगी। तुम नाश्ता पानी का देखो ना, फिर आराम से बैठकर बात कर लेना। हाँ, तुम दोनों हाथ मुंह धो के कपड़े बदल लो, मैं जल्दी से कुछ खाने के लिए बना कर लाती हूँ। ताई मुझे बहुत भूख लगी है, अभी बनाती हूँ कुछ। लो कर लो बात, जब तक मैं यहाँ हूँ कम से कम मुझे इनके लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा, आराम करूंगी मैं यहाँ। ये लोग सरल भी है और समृद्ध भी है, मतलब बाईजा ताई अपने भाई के लिए नए नए पकवान बनाएगी और मैं ठाट से खाऊंगी। सुबह से तेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, इसलिए परेशान है ना? चिंता मत कर,
आज शाम तक वो तेरे पास होगा। चल 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 चल, चल। मालिक आइए, आहिस्ता आराम से, आहिस्ता आइए, आहिस्ता आहिस्ता। आस लेकर आपके पास आया हूँ पड़ोस के गांव से। 30 साल की उम्र हो गई है, मेरे हालात देखिए साईं, बिना सहारे के चल फिर भी नहीं पाता, अधिक देर तक खड़ा भी नहीं रह सकता। हड्डियां इतनी कमजोर हो गई है कि मेरा वजन भी नहीं उठा पाती, एक काम करने के लायक भी नहीं रह गया हूँ साईं, आप मुझे ठीक कर दीजिए। सुना है साक्षात धन्वंतरी के अवतार हैं आप। कुर्सी लेकर आओ। ठीक है मालिक, संभालिए मालिक। अरे मालिक आराम से, संभालिए अपने आप को, कुर्सी लेके आया। बैठिए मालिक। बैठ क्यों रहे हो? क्यों साईं, आप मेरा इलाज नहीं करेंगे क्या? करूंगा, तुम्हारा इलाज भी करूंगा, लेकिन तुम्हारी बीमारी गंभीर है और ऐसे में मैं इलाज के लिए मदद पहले लेता हूं। मैंने तो सुना था कि ये फकीर मुफ्त में इलाज करता है। अच्छा खाना बनाया, अब जाके कुछ लगा के खाया है, मजा आ गया। मैं और खाना बनाकर लाती हूँ। ताई साहब थोड़ा ज्यादा ही खाना बना लीजिएगा, कुछ देर में फिर भूख लग जाएगी आपके भाई को। मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सो लूंगी मैं। इसका रोग इतना बढ़ गया है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लो कर लो बात, ताई साहब इनकी बीमारी ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया है, काम धाम तो कुछ करते नहीं, रात दिन खाने और सोने के अलावा इनको कुछ सूझता ही नहीं है। एक एक करके घर का सारा सामान बेच दिया, थोड़ी बहुत जमीन बची थी वो भी बेच बेच कर खा रहे हैं।
ही चलता रहा तो एक दिन मैं तो भूखी मर जाऊंगी। परेशान मत हो गुणवंता, ना तुम्हें कुछ होने दूंगी ना उसे, मैं हूं ना, और इसलिए तो तुम लोगों को यहां बुलाया है। त्रंबक का इलाज करवाऊंगी मैं। लो कर लो बात ताई साहब, इसी उम्मीद से तो हम यहाँ आए हैं। कुलकर्णी सरकार की बड़ी तारीफ सुनी है मैंने, वो जरूर इलाज कर पाएंगे। अरे काहे का वैद है कुलकर्णी सरकार, अरे साईं से अच्छा और बेहतर वैद हो सकता है क्या? दूर दूर से लोग आते हैं उसके पास इलाज करवाने के लिए और मुफ्त में इलाज करता है। हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि खर्चे के डर से ये लोग मेरे पति का इलाज किसी ऐसे वैसे से करा दे? कौन है ये साई? बताइए साई, क्या मेहनत आना दूं आपको? ये बकरी देख रहे हो, इसका बच्चा कहीं खो गया है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो, बस यही मेरा मेहनताना होगा। पर मैं इसके बच्चे को पहचानूंगा कैसे? जैसी घंटी इसके गले में बंधी है वैसी ही घंटी इसके बच्चे के गले में भी बंधी है। जा ढूंढ कर लाओ, जा। के मालिक वो नहीं, इलाज इसका करना है क्या? नहीं साईं, इलाज मेरा करना है। मैं मदद उसी से लेता हूं जिसका इलाज करता हूं, अगर ये मदद करेगा तो इलाज भी इसका ही करूंगा। बताओ भाई क्या समस्या है तुम्हें? नींद नहीं आती है या पेट में दर्द रहता है? रुकिए साईं, मैं ढूंढ कर लाता हूं, लेकिन ढूंढू कहां? कहां गया इसका बच्चा? मुझे नहीं मालूम, बकरी का छोटा सा बच्चा है, यहीं कहीं गांव में घूमता हुआ चला गया होगा। आए मालिक, आए आए मालिक, आए मालिक, आइए इस पे बैठ जाइए मालिक। नहीं नहीं बैलगाड़ी से नहीं, तो अकेले जाना होगा। अकेले? अकेले। जब जीवन में प्यारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई 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 ओम। ठीक वैसी ही घंटी इसके गले में भी है। शुक्रिया, ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। ये तो भाग रहा है, और दौड़ो।
हमें जोर लगाकर दौड़ने की जरूरत है। की जरूरत है। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई ओ साई ओ साई बहुत मेहनत करवाया तूने, अब साईं मेरा इलाज करेंगे। सही कह रही थी, देख ऐसे चबर चबर खा रहा है। सुबह चार आदमियों का खाना इकट्ठा खा गया, एक दर्जन पूरन पोली खाने के बाद गुड़ की भेली भी खा ली, अब सो के उठा है तो फलों के पीछे पड़ गया। बुरा मत मानना भाईजा, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो तेरा भाई है। मैं क्यों बुरा मानूंगी आई, पता है मुझे, मुझे खुद को इसकी चिंता हो रही है। जब से आया है तब से खाना सोना, उठता तभी है जब खाना हो, पता नहीं ऐसे लेटे लेटे इसका खाना पचता कैसे है। चलेगा फिरेगा नहीं तो बीमारी तो और बढ़ेगी ना। तू चिंता मत कर, साईं से ठीक कर देगा, लेकिन उससे पहले मैं इसे ठीक करती हूँ। त्रंबक उठ चल, ये टोकरी ले, अप्पा जी खलियान गए हैं, उनके पास जा, वहाँ ढेर सारे अमरूद के पेड़ हैं, उनसे कह कि ये टोकरी भर के अमरूद दे दे, और वो लेकर ना सीधा विद्यालय चला जा, गांव के अंतिम छोर पर, किसी से भी पूछेगा बता देगा, और विद्यालय में अध्यापक जी की पत्नी भामा को ये सारे अमरूद दे देना। ले जाओ। बाप रे, पहले तो खलियान जाओ, तो वहां से अमरूद की टोकरी लेकर किसी और को दे दूं, उसके घर जाकर, वो भी गांव के अंतिम छोर पे, इसके लिए तो बहुत चलना पड़ेगा। त्रंबक, अध्यापक जी की पत्नी गर्भवती है, और ऐसे में औरत को हर वो चीज खानी चाहिए जो उसे पसंद हो। तो आप तात्या को भेज दीजिए ना, वो तो वैसे भी घर पे ही है। अरे उसे कैसे भेज दूं, पढ़ाई कर रहा है ना वो, तुमसे कहा है तो तुम ही जाओगे अभी। ठीक है ताई, मैं जाता हूँ। आते ही मेरे पति को काम पे लगा दिया, मेरा काम तो कभी करते नहीं, और अपनी बहन को मना भी नहीं किया। साई, साई, लीजिए साई, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, ढूंढ लाया इसे। जानते हैं साई, बचपन में ऐसे ही भाग भाग कर बकरी के बच्चे को, मुर्गियों को पकड़ा करता था मैं। और अब तुम भाग दौड़ नहीं पाते। हाँ साई, अब तो मैं Oh
ए, सुनो ये विद्यालय कहाँ है? बस यहीं पे आगे जाओ, आगे जाके किसी से भी पूछ लो, बता देंगे। इतने सारे अमरूद वो अकेले नहीं खा पाएंगे, ज्यादा खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। गर्भवती है वो सब फेंक देंगी, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं ही खा लेता हूँ। देखिए ना, बायजा अक्का ने भिजवाया है इतनी बड़ी टोकरी में एक अमरूद। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि वो जानती है मैं अमरूद का हलवा बनाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं भामा, मैं अभी बाजार ही जा रहा हूँ, मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए अमरूद, ठीक है? एक अमरूद नहीं देना चाहिए था मुझे, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो, लेकिन मैं भी क्या करता, इतनी जोर से भूख लगी थी कि बर्दाश्त नहीं कर पाया। बातों ही बातों में बताना दे वो। अरे तुम यहाँ? चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके चलती हूँ। कहाँ? लो कर लो बस। तुम्हारी बहन के सामने तो जबान खुलती नहीं, एक बार क्या उसने बोला, टोकरी लेके चल पड़े। चलो चुपचाप। सुनो तो भागते हुए यहाँ आए हो, ठीक से चल फिर भी रहे हो, तो अब तुम ही बताओ मैं तुम्हें क्या औषधि दूँ? मैं दौड़ सका सर, असंभव। पहले तो मैं चल भी नहीं पाता था, इलाज कराते कराते हार मान ली थी मैंने। आपने कैसे किया सर, आपने तो मुझे छुआ भी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया रघु, तुम्हारे शरीर ने खुद तुम्हारा इलाज किया है। शरीर को आवश्यकता से अधिक आराम देने से उसके अंग सही से काम करना बंद कर देते हैं। जब तुम छोटे थे तब खेलते कूदते भागते दौड़ते थे, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये सब छूटता गया। काम करने के लिए घर में नौकर और आने जाने के लिए गाड़ी हो गई, तुम्हें शरीर को हिलाने की जरूरत ही नहीं रह गई। जैसे जैसे हड्डियों और मांसपेशियों में तनाव बढ़ता गया, अकड़न आती गई, तुम खुद को लाचार समझने लगे। अपने शरीर को स्वस्थ रखो, इसे निष्क्रिय नहीं सक्रिय करो, इसका सम्मान करो, नहीं तो ये रोगों का घर बन जाएगा। मैं याद रखूंगा सर। आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नास्तुद्य समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। अर्थात आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं है और परिश्रम जैसा दूसरा कोई दोस्त नहीं। मेरे सुनो, तुम कहां ले जा रही हो बताओ तो।
ये कहाँ ले आए तुम मुझे? अब तक तो सिर्फ सुना था, आज देख भी रही हूँ, सच में बहुत बड़े आदमी है। मतलब? ये कुलकर्णी सरकार का वाड़ा है। कुलकर्णी सरकार? लो कर लो बात। मैंने सोचा था आपकी बहन ने हमें शिरडी बुलाया है आपका इलाज करवाने के लिए, और वो तो आपसे इधर उधर का काम करवा रही है। देखो तुम बहुत गलत समझ रही हो, ताई मेरी बड़ी बहन है, वो कुछ मेरे लिए सोचेगी तो अच्छा ही सोचेगी। अगर वो मेरा इलाज साईं से करवाना चाहती है तो मैं साईं से ही इलाज करवाऊंगा, और अगर उन्हें पता चला कि मैं यहाँ इलाज करवाने आया हूं तो वो तो ना आप कहिएगा ना मैं कहूंगी कि कुलकर्णी सरकार आपका इलाज कर रहे हैं, समझे? अब बताइए किससे अधिक डरते हैं आप? हुँ? एक और चोटी करूं? मैं साथ चलता हूं। चलो रुक। यहां क्या करने आए हो? चलो चलो जाओ यहां से। कुलकर्णी सरकार से मिलना है हमें और औषधि लेनी है उनसे। हाँ हाँ बहुत आते हैं यहाँ, लेकिन हमारी अनुमति के बाद ही कोई उनसे मिल सकता है, और तुम्हें अनुमति नहीं है, चले जाओ। चलो जाओ यहाँ से। नहीं जाएंगे, इलाज कराने आए हम यहाँ। अरे ओम। सरकार, ये बायदा अक्का का छोटा भाई है और वो उसकी पत्नी, आपसे इलाज करवाना चाहते हैं। हरिओम, तो यहां पे क्यों आए हो? जाओ अपने बहन के पास जाओ, बायदा अक्का के पास जाओ, और जाके कहो उसे कि वो तुम्हें बैरागी साई के पास लेके जाए उपचार करवाने के लिए। बड़ी भक्त है ना उसकी। जाओ, ऐसी बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। हरिओम। वो लोग तो यही चाहते हैं कि हम साई से इलाज कराए इनका, लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि सच यही है कि शिरडी के एकमात्र वैद्य आप है कुलकर्णी सरकार। अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भस्मक रोग है इन्हें, पूरा दिन खाते रहते हैं ये। अर्थात बायजा अक्का और अप्पा पाटिल की इच्छा के विरुद्ध उनसे छुप कर मुझसे उपचार करवाने आए हैं ये दोनों। हरिओम। भस्मक रोग का इलाज इतना सरल नहीं है, लेकिन यदि मैं त्रंबक का इलाज करने में सफल हुआ तो शिरडी में मेरी कम होती प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो जाएगी और लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि केवल कुलकर्णी सरकार ही असाध्य रोग को ठीक कर सकते हैं। हरिओम। हरिओम। अंदर लेके जाओ। ये लो, मेरी बेटी ने पहली बार खाना बनाया है आज। राम जी भला करें। अल्लाह मालिक। Thank you.
मतलब इसमें नमक होगा। मैं नमक वाला खाना कैसे खा सकता हूँ जबकि कोई और नमक वाला भोजन त्यागने वाला है। अच्छा तुम्हें भूख कितनी लगती है, मतलब एक बार में कितनी मिठाई खा सकते हो तुम? भोजन के बाद कम से कम 20 मिठाई खा जाता हूँ। और उसके आधे घंटे के बाद 20 और खा जाता हूँ। मैं तो अभी तक 5-6 ही खाती हूँ। हरिओम हरिओम, दाढ़ी की गति बता रही है कि इस रोग ने तुम्हें पूरी तरह से जकड़ लिया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, समय लगेगा। विशेष प्रकार की जड़ी बूटी होती है, वो वन में जाके मुझे ढूंढ के लानी पड़ेगी और उसके पश्चात मैं तुम्हें औषधि दे पाऊंगा। 2 दिन बाद आ जाना। और अच्छा किया मेरे पास आ गए तुम। हरिओम। साई बैरागी भिक्षु है वो, वह थोड़े ही है। सुना साई के बारे में? तुम्हारी बहन ने हमें इतनी दूर उस भिखारी से इलाज करवाने बुलाया था। अच्छा चलते हैं। अरे दादा, ये जरूरत से ज्यादा भूख लगना कोई बीमारी है क्या? क्यों, ये भस्मक रोग है, बड़ा भयंकर रोग होता है ये। ये रोग जिस व्यक्ति को पकड़ लेता है ना, वो व्यक्ति खाता ही रहता है, और एक बार खाएगा तो और भूख बढ़ेगी। उसको देखा, ऐसे दुबला पतला है लेकिन सब पचा लेता है। उसका रोग ऐसी अवस्था में पहुंच गया है कि अगर उसे तुरंत इलाज नहीं मिला तो वो मात्र 6 महीने का मेहमान है। सरकार, वो बायजा का भाई है, वो ही बायजा अक्का जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, और ये इसने मुझे रास्ते पे गिरा दिया था और मुझ पे धूल मट्टी फेंकी थी, और आप इसी का इलाज कर रहे हैं जिसने मेरा अपमान किया। हरिओ, ठीक कह रहे हो तुम अंता। अपमान उनका होता है जिनका कोई मान होता है, और मान उनका होता है जिनके पास बुद्धि होती है। बुद्धि नाम की चीज तुम्हारे पास है? मैं जो भी कुछ करता हूं उसमें भविष्य की योजना होती है, भविष्य को देख के मैं करता हूं। मैंने जमाबंदी इसलिए घोषित की थी क्योंकि शिरडी की जनता ये जान जाए कि मैं शिरडी का सर्वे सर्वा हूं। जमाबंदी मैंने इसलिए हटाई क्योंकि सबके दृष्टि में मेरा महत्व बढ़ जाए, और बायजाका के भाई की मैं मदद कर रहा हूं, उसका उपचार कर रहा हूं, तो उसमें भी मेरी योजना है। पूरी शिरडी ये जान जाए कि बायजाका के भाई ने अपने असाध्य रोग का उपचार साई से नहीं, कुलकर्णी सरकार से करवाना उचित समझा, तो सोचो साई बायजाका अप्पा पाटिल की नाक कैसे कटेगी। हरिओ। बहुत देर लग रही है त्रंबक को आने में।
हेमंता भी घर में नहीं है, चले गए होंगे कहीं घूमने। लो आ गए। माधव के घर से आने में इतनी देर क्यों लग गई? लो कर लो बात, रास्ते में इनकी मुलाकात मुझसे हो गई तो हम शिरडी घूमने निकल गए थे। ठीक है चलो, अब तुम दोनों भी चाय पी लो, उसके बाद हमें साईं के पास जाना है, वो तुम्हारा इलाज करेगा। हाँ आ गए। अमृत नहीं लाए? भामा सिर्फ वही भूल गया मैं, कोई बात नहीं कल याद से ले आऊंगा मैं। अरे कहा ना कल ले आऊंगा मैं। पुरुष कभी नहीं समझ सकते हैं, अगर एक गर्भवती स्त्री कुछ खाने की इच्छा करे तो उसके लिए एक पल भी रुकना कितना कठिन हो सकता है। आप नहीं समझे ये मैं समझ सकती हूं, लेकिन बायजाक का भी नहीं समझे। सुनो अभी भी देर नहीं हुई है, मैं ताई को जाकर बोल देता हूँ कि मैं कुलकर्णी सरकार से इलाज करवा रहा हूँ। लो कर लो बात, ज्यादा हरिश्चंद्र बनने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप जाकर साई से दवाई लो, बस दवाई खाना मत, दवाई तो उस कुलकर्णी सरकार की ही चलेगी, समझे तुम? चलो तुम दोनों जल्दी चलो, देर हो रही है। बिल्कुल सही समय पे आए हम, तुम भी अभी अभी भिक्षाटन से लौटे हो ना। बटुआ नीचे गिरे देखा इसीलिए उठा लिया। ये वही है ना? अरे चुप चुप। देखो जीजाजी कैसे नमस्कार कर रहे उन्हें। वो बटुए वाली बात तो नहीं बता देंगे? लो कर लो बात, क्या बताएगा वो? हाँ यही ना कि उसने हमारा बटुआ चुराया है। मुझे तो आपकी ताई की सोच पे तरस आ रहा है। अरे अरे इस चोर से आपका इलाज करवाने के लिए हमें बुलाया था यहाँ। कैसे आना हुआ बायसामा? साई वो, अरे तुम दोनों वहां क्यों रुक गए? अंदर आओ ना। चल साई, ये मेरा छोटा भाई है त्रंबक और ये इसकी पत्नी गुणवंता। मेरे भाई का इलाज करना है साईं, शायद इसे भस्मया हुआ है। Thank you.
चांद। साईं की जगह कोई और दे रहा होता तो मैं तुम्हें नहीं लेने देती, लेकिन साईं की औषधि जितनी विचित्र होती है उतनी असरदायी भी। एक बार आजमा कर तो देखो। भाई हूं मेरे, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। त्रंबक ग्रहण कर लो, साईं जानते हैं तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। साई साई साई, अरे ये जहर दे रहा है, जहर। जहर अमृत बन सकता है क्या? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि इसको हमने हमारा बटुआ चोरी करते हुए पकड़ा है। ये इसी बात का बदला लेने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम लोग साई पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जानते भी हो कौन है वो? बेटा है मेरा, तब से जब तात्या हुआ भी नहीं था। भाईजामा, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। का रहीम हरि को घट्यो जो भृगुमारी लात। बड़ों को चाहिए कि वो अपने छोटों की नासमझी को क्षमा कर दे। भगवान विष्णु के बड़प्पन में भृगु ऋषि के पद प्रहार से भी कोई कमी नहीं आएगी।
कैसे क्षमा कर दूं साईं? कैसे? ये लोग तुम्हारे बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? कोई तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है साईं? वो भी मेरे अपने, मेरा भाई और वही नहीं। पापा जी, त्रयंबक को दवाई पिलाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। ग्रहण करो इसे। ये जहर मैं कैसे पीऊंगा? देखो, तुम्हें साई पर विश्वास नहीं है ना, मुझ पर तो है। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, पीने के बाद कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूं। त्रम्बक, अब हर रोज सुबह तुम्हें मेरे पास आना होगा दवा ग्रहण करने। इलाज अगली पूर्णमासी तक चलेगा। और हां, खाने में नमक का त्याग करना होगा तुम्हें। याद रहे, कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जिसमें नमक हो। नमक का त्याग? बिना नमक के मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? ताई, अगर उपचार के लिए जरूरी है तो तुम्हें ऐसा करना होगा। बायजामा, जो दवा मैंने त्रयंबक को दी है, नमक खाते ही वो विपरीत परिणाम देगी, इसलिए नमक को लेकर विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। फिर हो गई तुम्हारी जबान बंद? अपनी बहन के सामने तो जैसे तुम्हें सांप सूंघ जाता है। जहर तक पी लिया? अरे जहर से तो बच गया, लेकिन अगली पूर्णिमा तक बिना नमक के कैसे जिंदा रहूंगा मैं? समझ में नहीं आ रहा। ये क्या कर रहे हो तुम? झूठम पर झूठा ही तो फेंका है। झूठा? कौन झूठा? वही जो कुलकर्णी सरकार के पास इलाज के लिए जाता है। अकेले वैद्य हो और फिर साई से भी इलाज कर रहता है। पंता जी, ये बायजा का की योजना क्या है? सबके सामने तो ये लोग गुणगान करते हैं कि साई से अच्छा वैद्य पूरी शिरडी में नहीं, और जब बात इनके भाई की आती है तो वो जाता है कुलकर्णी सरकार के पास दवा मांगने, और खंडर में भी इलाज करवाता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं बताता हूं अंता जी इनकी योजना। सच तो ये है कि इन्हें साई नहीं कुलकर्णी सरकार के दवाई पे भरोसा है।
उनकी दवाई से इनका भाई ठीक हो जाएगा और फिर ये संसार में ढिंडोरा पिटेंगे ढिंडोरा और कहेंगे कि सुनो सुनो सुनो, साई के दवाई से मेरा भाई ठीक हो गया, साई के दवाई से मेरा भाई ठीक हो गया, है ना भाईजा अक्का? वैसे ही जैसे आपने अपनी सासू बाई के इलाज के समय किया था। दवाई तो कुलकर्णी सरकार की थी और प्रसिद्धि मिली साई को। उपकार किसी का और सम्मान किसी और को। कैसी कैसी घटिया चाल चलने लगे हैं ये साई के भक्त। श्रद्धा सबूरी ठीक। सबसे पहले तो ये साई के लिए अपशब्द कह दूं। चोर कहाँ उसे? और किसी को बिना बताए कुलकर्णी सरकार के यहाँ इलाज के लिए चले गए। जीजाजी मुझे नहीं पता था कि वो कौन है और उनके कपड़े। कपड़ों से इंसान की पहचान होती है क्या? साई एक बैरागी है, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, पर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, फसल सड़ने से बचाया है, आई की आंखों की रोशनी वापस लाई है। साई के बहुत उपकार है हम पर। वो हमारे लिए सिर्फ इंसान नहीं है, देवता है, देवता। और तुम्हें पता है तुम्हारी ये जो ताई है ना, वो साई को अपना बेटा मानती है। तुमने सिर्फ साई का नहीं अपनी ताई का भी अपमान किया है। तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे कारण तुम्हारे ताई को कितनी ठेस पहुंची है? अंता पंता ने आज सबके सामने खरी खोटी सुनाकर चले गए और हम कुछ भी नहीं कर पाए, केवल तुम्हारे कारण। जीजाजी मैं ताई से जाकर माफी मांग लेता हूं। ताई, ताई। आई, मैं मंदिर जा रही हूँ आरती के लिए, लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है ताई। तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। पूर्णिमा तक मैं नमक वाला खाना नहीं खा सकता, तुम इसे ग्रहण करो।